असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज दी फोर्टी सेकेंड लेक्चर इन सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे आप इनशाला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने मेमरीज पर डिस्कशन की थी डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने पढ़े थे डिस्कस किए थे हमने डिस्कशन शुरू की थी डायनामिक मेमरीज से फिर हमने बात की थी रॉम्स पर और एंड में हमने फ्लैश मेमरीज पर बात की थी आज इनशाला डिस्कशन जारी रखेंगे इससे पहले कि आज के डिस्कशन शुरू करें आइए लास्ट लेक्चर के जो कॉन्टेंट्स हैं उनको जरा रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी डायनेमिक रैम के रीड राइट साइकिल से डायनेमिक रैम जैसे कि आपको मालूम है उसके जो एड्रेस पिन हैं उनको मल्टीप्लेक्स किया हुआ है दैट मीन्स जो कंप्लीट एड्रेस है जो कि एक लोकेशन को स्पेसिफाई करता है वो हम साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर रहे बेसिकली हमने एड्रेस को स्प्लिट कर दिया एंड टू रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस सो रीड राइट साइकिल में बेसिकली जो स्प्लिट एड्रेस है या जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस है उसका ख्याल रखना है सो so, रीड के केस में पहले आपने जो है माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली जो है रो एड्रेस अप्लाई करेगा एड्रेस लाइंस पे साथ में एक रो एड्रेस स्ट्रोब एक्टिवेट करेगा जिसकी मदद से जो एड्रेस है वो अंदर लैच हो जाएगा इंटरनल जो है रो एड्रेस लैच उसके बाद जो है प्रोसेसर जो है कॉलम एड्रेस जो है वो अप्लाई करेगा साथ में कॉलम एड्रेस स्ट्रोब अप्लाई करेगा और कॉलम एड्रेस जो है वो कॉलम एड्रेस लैच में स्टोर हो जाएगा इसके बाद ऑफ कोर्स अगर रीड करना है तो रीड uh, जो पल्स है या रीड सिग्नल जो है उसको एक्टिवेट करना है तो इन्फॉर्मेशन जो है रीड कर सकेंगे हम डायनामिक रैम से इसी तरह जो राइट right साइकिल है राइट right साइकिल में भी रो uh, एड्रेस अप्लाई करना है कॉलम एड्रेस अप्लाई करना है रो एड्रेस के साथ जो है रो एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल एक्टिवेट होगा और कॉलम एड्रेस के साथ कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल जो है वो एक्टिवेट होगा साथ में जो है राइट सिग्नल एक्टिवेट करना है और क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं राइट कर रहे हैं डायनामिक रैम में जो डाटा है जो लिखना है वो भी साथ में अप्लाई करना है जब हम राइट right सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हैं सो बेसिकली रीड साइकिल हो गया राइट right साइकिल हो गया एक हमने बात आ, की थी फ़ास्ट एक्सेस की फ़ास्ट एक्सेस जो है डाइनमिक रैम में हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि रो एड्रेस हम पहले लैच कर चुके हुए हैं और जैसा कि आपको मालूम है एक रो में मल्टीपल कॉलम्स हैं बेसिकली एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है जो कि एक बिट को स्टोर कर रहा है तो एक रो में मल्टीपल कॉलम्स हैं मल्टीपल इस किस्म के ट्रांजिस्टर्स और जो है कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर है सो लेट अस सपोज कि आपने सक्सेसिव लोकेशन से इंफॉर्मेशन रीड करनी है या राइट करनी है तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो स्टैंडर्ड तरीका है आप रो एड्रेस भेजें फिर कॉलम एड्रेस भेजें उससे वो लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी आप उस लोकेशन पे या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसिव लोकेशन है अगेन उसका आप रो एड्रेस भेजेंगे कॉलम एड्रेस भेजेंगे लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी फिर रीड करेंगे या राइट करेंगे इसको जो एक्सेस टाइम है बेसिकली रो एड्रेस भेजने में और फिर कॉलम एड्रेस भेजने में फिर दोबारा एक नया रो एड्रेस भेजने में और कॉलम एड्रेस भेजने में टाइम आपका ज़ाया हो रहा है सो टाइम को कम करने के लिए इसमें जो एक कॉमन चीज़ है वो है रो रो का एड्रेस चेंज नहीं हो रहा कॉलम का एड्रेस चेंज हो रहा है so, सो जो फास्ट मेमरी एक्सेस है जिसमें आप सक्सेसिव लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं उस केस में आप बेसिकली एक रो सिग्नल भेजेंगे वो लैच हो जाएगा और उसके बाद जो है सिर्फ सी ए एस सिग्नल जो है कॉलम एड्रेस ट्रोप जो सिग्नल है वो आप पल्स करेंगे सो so, हर क्लॉक पे सी एस सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है हर एक कॉलम से आप इंफॉर्मेशन रीड या राइट कर सकते हैं डायनेमिक रैम का रिफ्रेश साइकिल वो हमने डिस्कस किया था बेसिकली डायनेमिक रैम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेस्ड है कैपेसिटर पे कैपेसिटर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है पेस्टर जो है कुछ अर्से के बाद कुछ टाइम के बाद इनफॉमेसन अपनी लूज़ कर जाता है बेसिकली डिस्चार्ज कर जाता है so, सो अगर आप डायनामिक रैम को पीरियोडिकली रेगुलरली चार्ज नहीं करते या इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश नहीं करते दैन यू लूज दैट सो हर डायनामिक रैम के साथ एक रिफ़्रेश साइकिल यूज़ करना होगा जो कि आप पीरियोडिकली डिफरेंट रोज़ को बारी बारी सेलेक्ट कर रहे हैं और उन उन रोज़ की मदद से आप बेसिकली सेल्स जो हैं जो कॉलम्स में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको रिफ़्रेश कर रहे हैं सो so, दो किस्म के रिफ्रेश साइकिल हैं एक तो है बर्स्ट मोड में जिसमें आप जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीड राइट ऑपरेशन नहीं करेगा बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है डायनेमिक रैम से सो so, डायनेमिक रैम में पहला आप रो एड्रेस जनरेट करेंगे पहली रो सेलेक्ट हो जाएगी उस पर जितने भी सेल्स हैं कैपेसिटर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे उन सारे कैपेसिटर्स को आप रीड करेंगे एंड थ्रू द रिफ्रेश बफर वो सारे कैपेसिटर्स दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे इस तरह नेक्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट रो में जितने भी कैपैसिटीज लगे हुए हैं बेसिकली हर कॉलम में वो सिलेक्ट होंगे रीड किया इंफॉमेशन थ्रू द रिफ्रेश बफर इन्फार्मेशन वापस उसमें राइट कर दी सो so, इसी तरह अगर लत से हमारे पास वन मेगाबिट की डी रैम है दैट मीन्स वन जीरो टू फोर रोज होंगे ज़ीरो टू फोर कॉलम्स होंगे सो so, कॉलम्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं सिंपली आप वन जीरो टू फोर जो रोज हैं उनको बारी बारी सेलेक्ट करें और पूरी की पूरी डायनामिक रैम जो है ये रिफ्रेश हो जाएगी अब ये जो सारा प्रोसेस है डायनामिक रैम को रिफ्रेश करने का ये कुछ मिली सेकेंड्स में एट मिली सेकेंड्स के करीब में हो जाता है इसमें एक जो दूसरा दु, दु, तरीका है बेसिकली उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश में लटे सपोज कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसने रेगुलरली इंफॉर्मेशन या तो डायनामिक रैम में लिखनी है या पढ़नी है उधर से तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस डायनामिक रैम को आप आइसोलेट कर दें और रिफ्रेश साइकिल आप रन करें सो so, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड साइकिल रन करेंगे माइक्रोप्रोसेसर भी उस रैम को एक्सेस कर सकता है और आप डायनामिक रैम के रोज को कुछ रोज को आप रिफ्रेश कर सकते हैं उसमें आपको बेसिकली ये ख्याल रखना होगा कि लास्ट रो कब रिफ्रेश हुई थी नेक्स्ट रो कौन सी वाली रिफ्रेश होगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने बताया कि 1024 जीरो टू फोर रोज़ जो हैं लेट्स से एट मिली सेकेंड में रिफ़्रेश होती हैं तो अगर एक एक करके आप कर रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हर रोज़ जो है उस टाइम पीरियड में वो रिफ़्रेश हो जाए अगर नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी रिफ्रेश के भी डिफरेंट तरीके हैं हमने पढ़ा था RAS only basically uh, row address strobe only row address strobe only में basically ये जो signal है activate हो जाता है और column address strobe जो signal है वो uh, inactive रहता है वो इसमें कोई काम नहीं करता uh, row address strobe जो है पहली row का address select कर लेगा आगे वाली जो नेक्स्ट रोज हैं वो एक एक्सटर्नल काउंटर की मदद से हम उनके एड्रेस जनरेट करेंगे सो रो एड्रेस ट्रोप ओनली रिफ्रेश साइकिल में एक एक्सटर्नल काउंटर लगाया जाएगा जो कि डिफरेंट रोज रो एड्रेस जनरेट करेगा जिसकी मदद से हम डिफरेंट रोज सेलेक्ट करके उनको रिफ्रेश कर दे जाएंगे दूसरे टाइप का जो एक रिफ्रेश साइकिल है दैट इज सी ए एस बिफोर आर एस कॉलम एड्रेस स्ट्रोप बिफोर रो एड्रेस एड्रेस्ट्रोप रीड साइकिल में राइट right साइकिल में जैसा कि हमने देखा है पहले रो एड्रेस आता है फिर कॉलम एड्रेस आता है तो दैट मीन्स रो एड्रेस स्ट्रोप पहले एक्टिवेट होता है उसके बाद कॉलम एड्रेस स्ट्रोप एक्टिवेट होता है सो सी एस बिफोर आर ए एस में कॉलम एड्रेस स्ट्रोप एक्टिवेट हो जाएगा सो so अगर कॉलम एड्रेस स्टोप पहले एक्टिवेट होता है ये हमें बता रहा है कि हमने जो है एक इंटरनल काउंटर लगा होता है डायनेमिक रैम में उसको यूज़ करना है रो एड्रेसेस जनरेट करने के लिए सो बेसिकली रिफ्रेश साइकिल चलेगा तो एक्सटर्नल काउंटर हम यूज़ नहीं करेंगे जो इंटरनल काउंटर है वो यूज़ करेंगे वो रो एड्रेस जनरेट करेगा और हर रो हम पढ़ के और उसको रिफ्रेश करेंगे इसमें अगर आपको सर्किट डायग्राम याद हो रो एड्रेस जो डी कोडर है उससे पहले है एक डाटा सेलेक्टर लगा हुआ है डाटा सेलेक्टर के बेसिकली दो इनपुट्स हैं एक तो एक्सटर्नल जो रो एड्रेस आ रहा है उधर से है और दूसरा जो है इंटरनल जो रो एड्रेस काउंटर है उसके साथ कनेक्टेड है डाइनामिक रैम की हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी डायनामिक रैम में डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इस डायनामिक रैम में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है तो आप अगर देखते रहें डाटा शीट्स में और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं तो तकरीबन तो हर महीने हर साल में एक नया प्रोडक्ट आ रहा होता है और वो पिछले प्रोडक्ट से ज़्यादा उसका फास्ट uh, होता है दैट मीन्स एक्सेस टाइम जो है कम है उसमें इंफॉर्मेशन जो है रेपडली हम एक्सेस कर सकते हैं अगर एक कंप्यूटर सिस्टम को देखा जाए माइक्रो प्रोसेसर्स तो काफ़ी हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं जो बॉटल नेक है वो है रैम जिसमें इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है तो माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ साथ जो रैम में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है सो so बेसिकली हमने तीन किस्म की डायनेमिक रैम्स को स्टडी किया था एक फ़ास्ट मोड एक्सेस फास्ट मोड एक्सेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपने एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना है तो उसमें अगर सक्सेसिव लोकेशंस एक्सेस करनी नॉर्मली प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस में आ रही होती हैं तो एक के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरी और वो यूजुअली एक कन्जिव uh, एड्रेस पे पड़ी होती हैं सो डायनामिक रैम में फास्ट मोड एक्सेस में वही बात है कि हम रो को सेलेक्ट uh, कर लेंगे उसके बाद कॉलम uh, जो है वो बार बार चेंज करते रहेंगे तो दैट मीन्स हम सक्सेसिव लोकेशन जो हैं वो हर क्लॉक में हम एक्सेस कर पाएंगे दूसरा जो हमने टाइप डिस्कस की थी वो थे एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट बेसिकली दोनों में फास्ट मोड एक्सेस और एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट में कोई इतना फ़र्क नहीं है टाइमिंग डायग्राम अगर आप देखें फास्ट मोड एक्सेस में जो ही कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल इनएक्टिव हो जाता है उसकी वजह से जो आउटपुट बफर है रैम का वो डीएक्टिवेट हो जाता है दैट मींस आप जो है इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं तो वह पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि आउटपुट बफर जो है वो डीएक्टिवेट हो गया ओके okay. अब अगर कोई माइक्रो uh, प्रोसेसर जो डायनामिक रैम से डाटा पढ़ रहा है तो अगर लेट्स से माइक्रो प्रोसेसर बिजी है कोई और काम कर रहा है और उसने अभी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी तो दैट मींस आप जो सी एस सिग्नल है उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे अगर डीएक्टिवेट किया तो आप फिर आउटपुट बफर्स जो हैं बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे आप पढ़ नहीं सकेंगे सो सी एस अगर आप डीएक्टिवेट नहीं कर रहे दैट मीन्स नया जो एड्रेस है जो नेक्स्ट लोकेशन को आपने जिससे आपने इंफॉर्मेशन पढ़नी है या लिखनी है बेसिकली रीड के लिए हम कर रहे हैं सो so, पढ़नी है वो आप कर नहीं पाएंगे सो so, बेसिकली ये स्लो डाउन हो जाएगा जो एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट है उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि सी एस सिग्नल अगर इनएक्टिव भी हो जाए डाटा बफर जो हैं आउटपुट जो बफर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं सो so, ये कब इनएक्टिव होंगे जब आप नेक्स्ट एड्रेस कॉलम एड्रेस जो है वो जनरेट करेंगे तो आपके पास एक ज़्यादा टाइम मिल जाता है एक एक्सटर्नल डिवाइस के लिए या माइक्रो प्रोसेसर के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है रीड कर पाए तीसरी जो टाइप थी हमने कहा था कि सिंक्रोनस डायनामिक रैम जो है सिंक्रोनस और ए सिंक्रस बेसिकली फर्क ये है कि सिंक्रोनस में हम क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हैं और क्लॉक के साथ जो बाइको प्रोसेसर की क्लॉक है और डायनमिक रैम जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज मैनर में काम करेंगे रीड और राइट ऑपरेशन होंगे सो एक्सेस टाइम जो है हम बड़े टाइटली कंट्रोल कर सकते हैं डायनमिक रैम के बाद हमने रॉम की बात कही थी रीड ओनली मेमरी रीड ओनली मेमोरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हम सिर्फ रीड कर सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन लिख नहीं सकते हमने डिस्कशन की थी कि रोम जो है उसमें इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो हम प्रोग्राम कर देते हैं जब कोई सिस्टम कोई भी जो सिस्टम उसको ऑन करना है तो उसने कोई एक स्टेट में चले जाना है अपने आप को एनिशलाइज़ करना है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगी बेसिकली वो परमानेंटली किसी जगह पे स्टोर होनी चाहिए ताकि जब भी आप ऑन करें वो उस जगह से इन्फॉर्मेशन पढ़े और अपने आप को इनिशलाइज़ कर ले सो ये इन्फॉमेशन बेसिकली रॉम में रखी जाती है क्योंकि ये परमानेंट है और नॉन वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर पावर ऑफ भी कर दें तो वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है या इम्प्लीमेंटेशन जो है रोम की वो बड़ी सिंपल है एक ट्रांजिस्टर की मदद से हम एक सेल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो सेल है उसमें हम वन स्टोर कर सकते हैं या जीरो स्टोर कर सकते हैं सो बेसिकली एक ट्रांजिस्टर है जिसका गेट जो है वो रो के साथ कनेक्टेड है उसका जो आउटपुट है वो एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है So, गेट रो के साथ कनेक्टेड है और जो आउटपुट है उसका कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है जो ही आप अप्रोप्रिएट रो सेलेक्ट करेंगे उसका जो ट्रांजिस्टर जिसका गेट उसके साथ कनेक्टेड है वो एक्टिवेट हो जाएगा आउटपुट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सो दैट मीन्स इस ट्रांजिस्टर ने एक लॉजिक वन स्टोर किया हुआ अगर आप जो गेट और रो के दरम्या कनेक्शन है ट्रांजिस्टर का उसको आप रिमूव कर दें सो दैट मीन्स जब भी रो सेलेक्ट हुई ट्रांजिस्टर सेलेक्ट नहीं होगा उसकी आउटपुट लाइन तो कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है उधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी दैट मीन्स ट्रांजिस्टर जो है उसने जीरो या लॉजिक जीरो को स्टोर किया हुआ सो बेसिकली रोम का स्ट्रक्चर यही होगा एक रे होगी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे जिनने जिनको प्रोग्राम करना है बेसिकली अगर वन स्टोर करना है तो उनका कनेक्शन रो और गेट के दरमियान होगा अगर लॉजिक ज़ीरो प्रोग्राम करना है तो रो और गेट के दरम्यान कनेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा तीन चार किस्म के डिफरेंट रोम हैं सबसे पहले जो है मास्क रोम बेसिकली मास्क रोम जो है जो मैनुफेक्चरर है उसकी तरफ से प्रोग्राम आती है जो यूज़र है उसको प्रोग्राम नहीं कर सकता सो बेसिकली यू जस्ट बाय दी राम विद द इंफॉर्मेशन अपन सिस्टम में लगाएं और उसको यूज़ कर सकते हैं सेकंड टाइम सेकंड टाइप की जो रोम थी वो हम कह रहे हैं पी राम प्रोग्रामेबल रोम ये जो प्रोग्रामेबल रोम है इसको आप एक ही दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं सो यू जस्ट बाय दी रोम आप जो भी डेवलप किया है जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं उसको प्रोग्राम कर दें वंस प्रोग्राम दी रोम आप उसको चेंज नहीं कर सकते रोम जो है मास्टर रोम और पी रोम में बेसिकली फर्क क्या है अगेन ट्रांजिस्टर ही यूज़ हो रहे हैं इन्फार्मेशन को स्टोर करने के लिए बट पी रोम में जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट है और जो कॉलम लाइन है जिसके साथ वो कनेक्ट होता है उसके दरमियान एक फ्यूज़ हमने कनेक्ट किया हुआ है तो अगर वो फ्यूज इंटैक्ट रहता है दैट मीन्स ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो है कॉलम के साथ कनेक्टेड है अगर उस फ्यूज को हम रिमूव कर देते हैं सो दैट मीन्स जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट है वो कॉलम के साथ कनेक्टेड नहीं है सो so अगर ये जो ट्रांजिस्टर है जिसका आउटपुट कनेक्टेड नहीं है कॉलम के साथ अगर इसको सेलेक्ट किया जाए बाई सेलेक्टिंग दी रो तब भी इंफॉर्मेशन कॉलम लाइन पे नहीं आएगी सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर में जीरो स्टोर्ड है अगर फ्यूज इंटैक्ट है दैट मीन्स उसने वन स्टोर किया हुआ सो बेसिकली पी रोम में ये जो फ्यूज़ेस हैं वो अपने ब्लो आउट कर देने हैं। अगर आपने ज़ीरो स्टोर करना है तो फ्यूज़ रिमूव कर देंगे एक दफ़ा फ्यूज़ रिमूव हो गया तो दोबारा से उसको लगाया नहीं जा सकता दैट मीन्स आप दोबारा से पी रोम को प्रोग्राम नहीं कर सकते तीसरी जो जो टाइप हमने डिस्कस की थी एक थी इरेजेबल पी रोम रेजेबल पी राम का मतलब है कि हम उसको इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं और ये काफ़ी दफ़ा हम कर सकते हैं उसमें जहाँ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो आप लैब में बैठे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें आप यू कैन नॉट अफोर्ड के भी एक पी रोम लें उसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया और आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा डीबकिंग करनी पड़ती है हो सकता है एरर्स आएँ तो आपको बार बार इन्फॉमेशन प्रोग्राम करनी पड़ेगी और शायद रेस करनी पड़े तो उसके लिए जो बेस्ट एक सोलूशन है वो, वो यही है इरेजेबल पी रोम और इरेजेबल पी रोम जो है उसमें अगेन फ्यूज नहीं लगे हुए थे डिफरेंट टेक्निक यूज़ की हुई है जिसकी वजह से आप उसको इरेज या प्रोग्राम कर सकते हैं इस जो डिफरेंट टेक्निक है जिसकी मदद से हम इरेज़ एंड प्रोग्राम कर सकते हैं इसकी वजह से इसकी जो सर्किटरी है वो एक्स्ट्रा सर्कटरी बेसिकली लगानी पड़ती है तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है कंपेयर टू अदर जो रोम्स हैं इसको अरेज कैसे करना है अगेन दो टाइप्स के हैं एक जो है यू वी इरेज सो यू वी जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखेंगे मेमोरी को उसके ऊपर एक क्वार्ट्स विंडो होती है जो नीचे जो सर्किट है मेमोरी का उसको एक्सपोज कर रही होती है अल्ट्रा वायलेट लाइन आप शाइन करेंगे इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगी दोबारा प्रोग्रामर में रखेंगे और उसको प्रोग्राम कर देंगे प्रोग्रामिंग का तरीका क्या है बेसिकली हमने कुछ पेन्स डिस्कस की थी अगर ई प्रॉम को उनकी पेन्स जो हैं एक जो पेन है उसमें हाई डीसी आपने अप्लाई करनी है और दूसरी जो पेन है उस पर आपने पल्स बार बार भेजनी है पल्स जब भेजेंगे तो आपने डाटा भी स्पेसिफाई करना है और एड्रेस भी स्पेसिफाई करना है बेसिकली आप इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं किसी मेमोरी में तो किस लोकेशन पे वो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है तो आपने एड्रेस भी स्पेसिफाई करना होगा और वो इन्फॉर्मेशन भी स्पेसिफाई uh, करनी होगी सो लेट अस सपोज कि आपका जो ई फ्रॉम है 16 लोकेशन की है और हर लोकेशन जो है 8 बिट्स को स्टोर कर रहा है सो so, आप एक काउंटर सर्किट बनाएंगे जो प्रोग्रामर का हिस्सा होगा और वो काउंटर सर्किट जो है वो आठ एड्रेसेस बारी बारी जनरेट करेगा और साथ में आपको कोई फाइल से इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जो आपने उस फ्रॉम में लिखनी है सो so बेसिकली ये तरीका होगा एक इरेजेबल प्रॉम को प्रोग्राम करने का कर। एक चौथी टाइप थी वो थी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम पीराम जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब है यूवी के नीचे रखना नहीं है सो so बेसिकली अगर आपका एक सर्किट है आपने डिज़ाइन कर लिया है उसमें एक यू वी लगी हुई है आपने कोई बग डिटेक्ट किया है अब आपने उसमें प्रोग्राम चेंज करना है तो क्या होगा आप वो निकालेंगे यू वी ई प्रॉम को यू वी लाइट के नीचे रखेंगे इरेज़ हो जाएगी दोबारा प्रोग्रामर में लगाएंगे प्रोग्राम करके वापस सर्किट में इंसर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकली इेजबल फ्राम का फ़ायदा ये है कि हम इसको सर्किट से हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा जैसे कि हमने बताया कि यू जो ई e प्रॉम है उसको सर्किट से निकाल के यू लाइट के नीचे एक्सपोज करना पड़ेगा दोबारा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो फ्राम है सर्किट में लगी हुई है चेंज करना है आप इलेक्ट्रिकल पल्स से ही चेंज कर सकते हैं और दोबारा से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं इन सारी जो रोम्स हैं जो मास्क रॉम है पी राम है ई e प्रॉम है इनका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं एड्रेस डी जो कि एक्सटर्नल एड्रेस को डी करके एक लोकेशन को सेलेक्ट करता है और एक जो है ट्रांजिस्टर अरे ट्रांजिस्टर अरे बेसिकली जो इन्फॉमेसन स्टोर कर रहा है मैंने एक सिंपल से एग्जांपल देखी थी कि अगर हमारे पास एक एट लोकेशन रॉम है जिस जो हर लोकेशन पे चार बिट्स को स्टोर कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा एक डिकोडर होगा क्योंकि आठ लोकेशंस हैं तो थ्री टू एट डिकोडर होगा तीन एड्रेस लाइंस होंगी एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस होंगी जिनकी मदद से ये एड्रेस डिकोडर जो है एक आउटपुट लाइन जो है रो लाइन को सिलेक्ट करेगा हर रो पे या हर लोकेशन पे क्योंकि हम फोर बिट्स स्टोर कर रहे हैं सो हर जो रो है वो कनेक्ट होगी चार ट्रांजिस्टर के साथ सो अगर हमने वन 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 स्टोर करना है सो चारों जो ट्रांजिस्टर्स हैं पहली वाली रो में उनके गेट्स उस रो के साथ कनेक्टेड हैं उनके जो आउटपुट्स हैं वो चार कॉलम लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं सो जब भी आप एड्रेस जीरो को या लोकेशन जीरो को सेलेक्ट करेंगे चार वन स्टोर हुए हैं वो पढ़ पाएंगे इस तरह नेक्स्ट लोकेशन पे अगर जीरो स्टोर करने हैं तो सेकेंड रो पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके जो गेट्स के कनेक्शन है रो से वो अब ख़त्म कर दें दैट मींस जीरो स्टोर किया हुआ फिर हमने बात की थी कि ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई काम कैसे कर रही है रॉम जो है प्रैक्टिकली कैसे ऑर्गेनाइज होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स सो हमने एक एग्जांपल ली थी कि एक 32 बिट uh, 32 थर्टी टू रोज हैं एंड थर्टी कॉलम्स हैं और जो मेमोरी हमने इम्प्लीमेंट की थी 256 फिफ्टी सिक्स एंड टू फोर डेट मीनस टू फिफ्टी हैं और हर लोकेशन पे चार बेड्स स्टोर हो रहे हैं सो थर्टी टू का मतलब है हम 32 टू हैं हमारे पास थर्टी टू कॉलम्स जो हैं अब हमें थर्टी टू कॉलम्स तो नहीं चाहिए क्योंकि चार पेट्स हैं सो चार कॉलम्स ही चाहिए पर थर्टी टू कॉलम्स का मतलब है हमने एट ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है सो so, इसमें जो चेंज है बेसिकली जो एड्रेस है उसको हमने स्प्लिट कर दिए इनटू रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी मेमोरी बड़ी हो जाएगी तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप एक ही एड्रेस डी कोडर लगाएं और वो सारा जो एक्सटर्नल एड्रेस है उसको डी कोड करें बेसिकली अगर वन मिलियन लोकेशन हैं तो आपको बहुत बड़ा किस्म का एक एड्रेस डिकोडर डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे गेट्स होंगे और वो एड्रेस डिकोडिंग में काफ़ी सारा डिले होगा सो उस डिले को ख़त्म करने के लिए हमने कहा था कि एड्रेस को स्प्लिट कर लें दो एड्रेस में रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस जिसकी वजह से दो छोटे एड्रेस डी कोडर यूज़ होंगे सो so, बेसिकली ये जो टू फिफ्टी सिक्स इन टू फोर बेट रॉम हमनेट करनी है एज ए थर्टी टू रो थर्टी टू कॉलम अरे हम ये कह रहे थे कि आउटपुट पे बेसिकली हमें चार मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए जो हैं एट इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है सो so, क्योंकि एट ग्रुप्स हैं उनकी एक एक बिट जो है हर मल्टीप्लेक्सर के इनपुट के साथ कनेक्टेड है जो पांच बिट्स हैं वो रो एड्रेस डी के साथ कनेक्टेड हैं सो पांच एड्रेसेस रो एड्रेसेस uh, का मतलब है उनमें से एक थर्टी uh, में से एक रो सेलेक्ट होगी और इसी तरह जो थ्री बिट्स हैं वो सिलेक्ट करेंगी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक ग्रुप जो है क्योंकि आठ ग्रुप्स हैं तो उसमें से एक ग्रुप सेलेक्ट होगा सो दैट मीन्स हमारे पास फोर बिट आउटपुट आ जाएगा नेक्स्ट हमने बात शुरू की थी जो रॉम है यूज बेसिकली कहाँ हो रही है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनिशलाइजेशन इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोर कर रहे हैं दूसरा मैंने ये कहा था कि टेबल जो है कन्वर्जन टेबल्स हैं एक बाइनरी आपके पास काउंट वैल्यू है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन एकवलेंट ग्रे वैल्यू में तो क्या होगा एक आप रॉम ले लें जो एड्रेसेस हैं वो बता रहे हैं बेसिकली बाइनरी काउंट वैल्यू तो ज़ीरो 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 एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी ज़ीरो को जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन जो है वो रिप्रजेंट कर रहा है बाइनरी वन को और इसी तरह डिफरेंट एड्रेस डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज़ को रिप्रजेंट कर रहे हैं इन लोकेशंस में इन एड्रेसेस पे सो जीरो जीरो ज़ीरो जीरो के जो एड्रेस है उस लोकेशन पे आप एक वैल्यू स्टोर कर लें तो जब भी वो एड्रेस सेलेक्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा उस एड्रेस को सो so आप बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं सो थ्री है थ्री एड्रेस पे आप कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रे वैल्यू है वो सेलेक्ट कर लें जो ही एड्रेस थ्री सेलेक्ट करेंगे डाटा पे फोर बिट ग्रे वैल्यू आ जाएगी प्रैक्टिकल इसके इंप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि लत से आपके पास एक कैमरा है जो ऑटोमेटिक कैमराज होते हैं उसमें अपर्चर सेटिंग और जो है शटर स्पीड जो है वो आपको चेंज करनी पड़ती है ऑटोमेटिक में ये पहले से होता है लाइट इंटेंसिटी मेजर की और ख़ुद से शटर सेट हो जाएगा सो so बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कहाँ होगी एक रोम में होगी सो इफॉमेसन पढ़ी वो चेंज कर दी लाइट इंटेंसिटी पढ़ी उसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस इन्फॉमेसन और करस्पॉन्डिंग इन्फॉमेशन आप रोम के डाटा आउटपुट से पढ़ रहे हैं हमने डिफरेंट टाइप की मेमरीज डिस्कस की आइडियली के आइडियली uh, जो मेमोरी uh, के करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उनमें रीड राइट होना चाहिए नॉन वॉलिटाइल होना चाहिए दैट मीन्स पावर को रिमूव करें तो वो जो उनकी इन्फॉमेसन है वो उधर रहनी चाहिए हाई डेंसिटी होनी चाहिए दैट दैट मीन्स कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करें एक्सेस टाइम फास्ट होना चाहिए दैट मीन्स एड्रेस अप्लाई किया तो फ़ौरन ही आपको डाटा आइडियली मिल जाए सो so, जितने कम टाइम में मिलेगा दैट मीन्स आप इंफॉर्मेशन उतनी जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हैं आखिर में कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए तो ये पांच इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये अगर किसी मेमोरी में हो तो हम समझेंगे कि एक आइडियल किस्म की मेमोरी है जो हमने स्टैटिक रैम पढ़ी डायनामिक रैम डिस्कस की रॉम डिस्कस की उनमें कुछ में ही कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स हैं सारे नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रैम जो हमने पढ़ी थी उसमें जो था नॉन वॉलेटाइल जो है वो नहीं है वॉलेटाइल है अगर हम रिमूव कर दें पावर को तो इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी ट्रॉम फॉर एग्जांपल नॉन वॉलेटाइल तो है पर राइट right हम नहीं कर सकते सिर्फ रीड कर सकते हैं डाइनामिक रैम जो है बेसिकली एक तो नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल है सॉरी डेंस uh, है पर एक्सेस टाइम स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टक रैम सो बेसिकली डिफरेंट मेमरीज में डिफरेंट करेक्टरस्टिक्स हैं एक फ्लैश मेमरी है जिनमें तकीबा ये पाँचों केैक्टरस्टिक्स हैं फ्लैश मेमोरी बेसिकली अगेन उसका पहले हम देख लेते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट कैसे हुई है और इसमें क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं और उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे फ्लैश मेमोरी जो है अगेन ट्रांजिस्टर जो है मॉस ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट की जाती है मॉस ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं एक गेट ड्रेन एंड सोर्स बेसिकली अगेन जो इसका स्ट्रक्चर होगा वही रोज एंड कॉलम के फॉर्म में एक टू डायमेंशनल अरे होगी जिसमें ये ट्रांजिस्टर्स जो हैं कनेक्ट किए हुए हैं अगर गेट पे आप कोई प्लस वोल्टेज आप अप्लाई करें तो चार्ज जो है वो गेट पे एक्यूमलेट हो जाएगा हम कहेंगे कि इस गेट को हमने प्रोग्राम कर दें या इस सेल को प्रोग्राम कर दिया सो तो अगर चार्ज गेट पे एक्यूमेलेट हो गया हम ये कहेंगे कि इसने जीरो स्टोर कर दी लॉजिक जीरो को स्टोर कर दिया लॉजिक वन स्टोर करने के लिए बेसिकली चार्ज जो है वो गेट पे नहीं होगा सो so अगर चार्ज है तो हम कहेंगे लॉजिक ज़ीरो है अगर चार्ज नहीं है कहेंगे लॉजिक वन है फ्लैश मेमोरी के साथ बेसिकली हम तीन ऑपरेशन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग ऑपरेशन प्रोग्राम कर सकते हैं रीड ऑपरेशन बेसिकली इंफॉर्मेशन हम रीड कर रहे हैं फ्लैश मेमरी से और इरेज ऑपरेशन जो कॉन्टेंट्स हैं फ्लैश मेमरी के उनको इरेज कर रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना है प्रोग्राम करने के लिए जो गेट है ट्रांजिस्टर का हर सारे जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं फ्लैश मेमोरी में जो अरे में लगे हुए हैं सर किसी एक ट्रांजिस्टर को प्रोग्राम करने के लिए बेसिकली आपने उसके गेट को प्लस वोल्टेज अप्लाई करना है चार्ज जो है अगर आप आ, अप्लाई करते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएगा दैट मींस जीरो स्टोर हो गया अगर चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होता दैट मींस वन स्टोर हो गया तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लॉजिक जीरो और लॉजिक वन की अगर आपने इरेज करना है बेसिकली तो जो सोर्स है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो गेट है उस पर ज़ीरो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अगर चार्ज गेट पे एक्यूमलेट हुआ हुआ है वो ड्रेन हो जाएगा वो निकल जाएगा उधर से दैट मीन्स आपने जो फ्लैश मेमोरी है उसको इरेज़ कर दिया सो बेसिकली इरेज इज़ लाइक इनिशलाइजिंग आप शुरू में जो फ्लैश मेमरी होगी उसको आपने इरेज करना है तो जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं उस एरे में सारे इरेज हो जाएंगे सो दैट इज़ लाइक राइटिंग ए वन इनिशियल स्टेट में फ्लैश मेमरी के ट्रांजिस्टर जो हैं वो वन को स्टोर कर रहे हैं रीड करने के लिए बेसिकली जो ड्रेन एंड सोर्स है ट्रांजिस्टर का उसके दरमियान अगर करेंट फ्लो होता है सो दैट मीन्स कुछ हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर ट्रांजिस्टर के गेट पर चार्ज स्टोर है सो so पढ़ने के लिए उसको रीड करने के लिए आप एक वोल्टेज प्लस वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके गेट पर इसकी वजह से जो क्योंकि चार्ज हमने एक्यूमलेट किया हुआ है गेट के पास तो वो इफेक्ट को कैंसिल कर देगा सो दैट मीन्स जो करंट है सोर्स और ड्रेन के दरमियान उधर करंट नहीं फ्लो होगा सो दैट मीन्स इसको हम आ, कहेंगे अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि ज़ीरो स्टोर हुआ हुआ अगर चार्ज जो है गेट पे इंक्यूमेडेट नहीं हुआ हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं गेट पे एक करंट फ्लो होगा जो सोर्स है और ड्रेन के दरमियान अगर करंट फ्लो होता है दैट मींस लॉजिक वन वैल्यू जो है वो स्टोर की हुई है आइए डिस्कस करते हैं फ्लैश मेमोरी का स्ट्रक्चर बेसिकली ये मेमोरी जो है ऑर्गेनाइज़ हुई है उसी तरह टू डायमेंशनल रे की फॉर्म में रोज हैं एंड कॉलम्स हैं हर रो में डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिकली एक ट्रांजिस्टर जो है एक बिट को स्टोर कर रहा है सो so, एक जो रो है जिसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हैं वो रो कनेक्ट हुई है हर ट्रांजिस्टर के गेट के साथ हर कॉलम में दो लाइंस हैं एक सोर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है अगर आप विजुअलाइज करें एक कॉलम में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होंगे सो so, एक सोर्स लाइन है जो हर ट्रांजिस्टर की सोर्स लाइन को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और एक ड्रेन लाइन है जो हर ट्रांजिस्टर की ड्रेन लाइन को आपस में कनेक्ट कर रही है हर कॉलम में एक एक्टिव लोड है जो कि इस ड्रेन लाइन के साथ कनेक्टेड है और एक कंपरेटर है जो कि बेसिकली कंपेयर करता है सो लेट अस सपोज कि हम एक इंफॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो बेसिकली रो एड्रेस आया रो एड्रेस से एक रो सेलेक्ट हुई तो जितने भी उस रो में ट्रांजिस्टर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे कॉलम एड्रेस डी कोडर जो एक कॉलम लाइन को सिलेक्ट करता है सो so उस पर्टिकुलर कॉलम और उस पर्टिकुलर रो में जो ट्रांजिस्टर है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो ही कॉलम लाइन सिलेक्ट होती है तो सोर्स जो है वो ज़ीरो वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है सो दैट मीन्स एक पाथ मिल जाता है ड्रेन एंड सोर्स के बाद के दरमियान ड्रेन जो है एक्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर पे कुछ चार्ज स्टोर्ड है दैट मीन्स लॉजिक ज़ीरो स्टोर्ड है तो करंट फ्लो नहीं होगा और एक्टिव लोड पे ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नहीं होगा अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर पे कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं है तो एक करंट फ्लो होगा और एक्टिव लोड पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा वोल्टेज ट्रॉप जो है वो हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली एक कंपरेटर के साथ कंपरेटर के बेसिकली दो इनपुट्स हैं एक में ये जो वोल्टेज ट्रॉप है वो हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो कंपरेटर का इनपुट है उधर एक हमने रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई की हुई है सो so, अगर लॉजिक जीरो स्टोर्ड है कोई करंट फ्लो नहीं होगा एक्टिव लोड पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा सो so बेसिकली जो कंपेरेटर है उसका एक इनपुट जो है जो एक्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है वो ज़ीरो वोल्ट पे होगा और दूसरा इनपुट जो है वो रेफरेंस वोल्टेज के साथ होगा सो so इसका आउटपुट जो है वो हाई होगा सो दैट मीन्स अगर आउटपुट हाई है दैट मीन्स जीरो स्टोर किया हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर पे चार्ज नहीं है हमने वोल्टेज रो सेलेक्ट की एक करंट उसमें से फ्लो होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप जो है इट वुड बी इक्वल टू दी वी रेफरेंस सो जो कंपरेटर के दोनों इनपुट्स बराबर होंगे आउटपुट पे ज़ीरो आएगा सो so, बेसिकली हमने अगर लॉजिक वन स्टोर किया व आउटपुट पे जीरो आएगा इन्वर्ट होके आ रहा है आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो हमने एक्सप्लेन किया उसको हम ज़रा थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं डायग्राम में एक फ्लैश मेमरी अरे दिखाई गई है सबसे पहले जो है रो सेलेक्ट जीरो लाइन दिखाई गई जिसके साथ तीन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है तीन ट्रांजिस्टर के गेट्स कनेक्टेड हैं सो जो ही ये रो सेलेक्ट जीरो लाइन एक्टिव होगी तीनों ट्रांजिस्टर के गेट्स पे एक प्लस वोल्टेज या वोल्टेज अप्लाई होगी सो दैट मींस ये गेट जो हैं ऑन हो गए इसी तरह रो सेलेक्ट वन दिखाया गया रो सेलेक्ट टू और सबसे नीचे रो सेलेक्ट एन सो बेसिकली इस मेमरी में एन रोज हैं और हर एक में एन ट्रांजिस्टर्स हैं डायग्राम में सिर्फ तीन ट्रांजिस्टर हर रो में दिखाए गए कॉलम वाइज अगर देखें हर ट्रांजिस्टर जो है हर कॉलम में हर ट्रांजिस्टर का ड्रेन जो है एक कॉमन लाइन के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह हर ट्रांजिस्टर का जो सोर्स है वो एक कॉमन कॉलम सेलेक्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है जो कॉमन ड्रेन लाइन है उसके आउटपुट पे एक एक्टिव लोड दिखाया गया जिसका है जिसका इनपुट है बेसिकली वो प्लस वी वोल्ट के साथ कनेक्टेड है इसी कॉमन रेन लाइन के साथ एक कंपैरेटर सर्किट दिखाया गया है जिसका एक जो इनपुट है वो इस एक्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो इनपुट है वो एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है अरे सपोज के हम तीसरी जो रो है बेसिकली रो सिलेक्ट टू जो है वो सिग्नल एक्टिवेट हुआ है कोई एड्रेस अप्लाई किया जिसकी वजह से रो सेलेक्ट टू सिग्नल एक्टिवेट हो गया इसमें तीन ट्रांजिस्टर्स दिखाए गए सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर है उसमें चार्जेस स्टोर्ड हैं चार्जेस दिखाए गए सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है उसमें कोई चार्जेस स्टोर्ड नहीं है और जो आखिरी वाला ट्रांजिस्टर है उसमें अगेन चार्जेस स्टोर्ड हैं कॉलम एड्रेस की वजह से जो बीच वाला कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया सो जो ट्रांजिस्टर जो सिलेक्ट हुए जिससे हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है दैट मीन्स इसने लॉजिक वन स्टोर किया हुआ जो ही कॉलम लाइन सिलेक्ट हुई सेकंड जो कॉलम लाइन है वो बेसिकली लॉजिक जीरो पे कनेक्ट होगी बाकी जो कॉलम लाइंस हैं वो लॉजिक वन पे कनेक्टेड हैं जो ही कॉलम लाइन लॉजिक ज़ीरो से कनेक्ट होगी जो सिलेक्टेड ट्रांजिस्टर है उसका सोर्स जीरो पे या ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया ट्रांजिस्टर का जो सिलेक्टेड ट्रांजिस्टर है उसका ड्रेन जो है वो एक्टिव लोड के साथ क्नेक्टेड है जो कि प्लस फाइव वोल्ट के साथ कोनेक्टेड है सो so, एक करंट फ्लो होगा इस ट्रांजिस्टर में करंट जब फ्लो होगा एक्टिव लोड पे वोल्टेज ड्रॉप होगा रेफरेंस वोल्टेज जो है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कंपरेटर जो है दोनों क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर हैं डाटा आउटपुट जो है कंपरेटर का उसमें लॉजिक ज़ीरो आएगा सो दैट मीन्स वन स्टोर किया हुआ है इस ट्रांजिस्टर पे अगर कॉलम वन सेलेक्ट होता तो जो ट्रांजिस्टर है रो सेलेक्ट टू पे उस पर चार्जेस स्टोर्ड हैं चार्जेस क्योंकि स्टोर्ड हैं तो इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा सो दैट मीन्स जो एक्टिव लोड है पहले कॉलम का उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा कंपरेटर का जो वन एक जो इनपुट है जो एक्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है वो ग्राउंड होगा या ज़ीरो वोल्टेज होगी और दूसरा जो है रेफरेंस वोल्टेज पे होगा सो आउटपुट जो है इसका वन हो जाएगा विच रिप्रेजेंट्स लॉजिक ज़ीरो अभी हमने एक फ्लैश मेमोरी का स्ट्रक्चर देखा टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सो अगेन रोज लाइंस हैं एंड कॉलम लाइंस हैं जिसकी मदद से हम एक ट्रांजिस्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं कंपरेटर के आउटपुट पे हमारे पास लॉजिक वन या लॉजिक जीरो आएगा डिपेंड करता है कि उस ट्रांजिस्टर पे क्या स्टोर है आइए डिफरेंट जो मेमरीज हैं इनको हम समराइज़ कर लें कि जो स्टैटिक रैम है उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक रैम में क्या हैं फ्लैश रैम में क्या है रोम में क्या है, है। आइए टेबल देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन जो नेक्स्ट मेमोरीज हैं स्पेशल टाइप की मेमोरीज उन पे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं डायग्राम में एक टेबल दिखाया गया जो कि डिफरेंट मेमोरीज के करेक्टरिस्टिक्स को समराइज़ कर रहा है सबसे ऊपर स्टैटिक रैम दिखाया गया है जो कि नॉन वोलेटाइल नहीं है नॉन वोलेटाइल नहीं है दैट मीन्स अगर इसका पावर रिमूव कर दिया जाए तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लूज हो जाएगी इसी तरह ये हाई डेंसिटी नहीं है हाई डेंसिटी क्यों नहीं है स्टैटिक रैम जैसे कि आपको याद हो एक सेल जो है या एक पेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लिपलॉप चाहिए फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिकली चार छः ट्रांजिस्टर्स चार या छः ट्रांजिस्टर्स की मदद से इंप्लीमेंट हो रहा है दैट मीन्स जो मेमोरी है उसकी डेंसिटी लो है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं बहुत कम सेल्स को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वन ट्रांजिस्टर सेल है ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि हमने बताया था कि छह ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं एक सेल को इंप्लीमेंट करने के लिए इन सिस्टम राइट एबिलिटी है यस रीड राइट है तो स्टैटिक रैम में आप जब भी चाहें आप लिख सकते हैं उसमें पढ़ सकते हैं सो राइट एबिलिटी है नीचे डायनेमिक रैम है डायनेमिक रैम अगेन नॉन वॉलटाइल नहीं है पावर uh, रिमूव करें इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी हाई डेंसिटी है क्योंकि एक सेल जो है वो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से इम्प्लीमेंट हो रहा है सो so, कम स्पेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं वन ट्रांजिस्टर सेल ऑफ कोर्स है क्योंकि एक ही ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि एक कैपेसिटर को स्विच ऑन ऑफ कर रहा है इन सिस्टम राइट एबिलिटी है डायनामिक रैम है रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं तो किसी सिस्टम में अगर डायनामिक रैम लगा हुआ है उसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं दैट मींस राइट कर सकते हैं रोम जो है नॉन वोलेटाइल यस इट इज़ नॉन वोलेटाइल रॉम जो है हमने जैसे बताया इंफॉमेशन परमानेंटली स्टोर करता है पावर रिमूव करें तो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी हाई डेंसिटी है हाई डेंसिटी इसलिए है क्योंकि हर सेल जो है वो एक ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट हुआ है तो एक सेल के लिए एक ट्रांजिस्टर चाहिए दैट मीन्स लेस स्पेस में ज़्यादा मेमोरी आ सकती है वन ट्रांजिस्टर सेल ऑफ ऑफकोर्स अभी हमने बताया कि एक ट्रांजिस्टर ही चाहिए एक सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन सिस्टम राइटेबिलिटी नहीं है रॉम जैसे हमने पहले डिस्कस किया हम पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते राइट नहीं कर सकते सो so, राइटबिलिटी uh, नहीं है ई प्रॉम जो है अगेन नॉन वोलटाइल है पावर रिमूव कर दें इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी हाई डेंसिटी है वन ट्रांसिस्टर सेल ऑफ कोर्स है इसके साथ बेसिकली आप आपने एक फ्यूज लगाना है जो आप कर दें तो फिर आप प्रोग्राम नहीं कर सकते एन सिस्टम राइट एबिलिटी नहीं है रॉम है बेसिकली आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते ई ई प्रॉम जो है इलेक्ट्रिकली इेजबल जो प्रॉम है नॉन वॉलीटाइल ऑफकोर्स आप uh, पावर रिमूव कर दें इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगा हाई डेंसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसको इरेज करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए एक्स्ट्रा सर्किटरी चाहिए दैट मीन्स हाई डेंसिटी नहीं रहेगी वन ट्रांजिस्टर सेल ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा सर्किटरी चाहिए इसको इरेज करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए और इन सिस्टम राइटबिलिटी है क्योंकि हमने जैसे बताया था कि यू वी ई प्रॉम जो है उसको हम सिस्टम में रख के प्रोग्राम नहीं कर सकते पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो प्रॉम है उसको हम सिस्टम में रखते हुए प्रोग्राम कर सकते हैं फाइनली जो फ्लैश मेमोरी है उसमें ये पांचों केैक्टरिस्टिक्स हैं नॉन वॉलीटाइल है पावर रिमूव कर दें इंफॉमेशन रिटेन रहेगी जो चार्जेस हम गेट पे स्टोर कर रहे हैं वो फॉर एवर तकरीबन रहते हैं वो लूज नहीं होंगे हाई डेंसिटी है बेसिकली हमने देखा कि हर सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ट्रांजिस्टर चाहिए सो so कम स्पेस में बहुत सारे सेल्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वन ट्रांजिस्टर सेल है ऑफ कोर्स और इन सिस्टम राइटेबिलिटी है सिस्टम में अगर फ्लैश मेमोरी लगी हुई है उसमें आप इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं आइए अब हम दो स्पेशल पर्पस मेमरीज के बारे में बात करते हैं एक है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेमरी और एक है लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमरी बेसिकली इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी अभी तक जो मेमरीज हमने डिस्कस की उनसे डिफरेंट है दोनों मेमोरीज जो हैं हम ट्रांजिस्टर की मदद से या फ्लॉप की मदद से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बेसिकली हम शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करके इन दो मेमोरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं पहले समझते हैं कि ये मेमरीज स्पेशल क्यों हैं और यूज़ कहाँ होती हैं बेसिकली रॉम हमने पढ़ा उसमें हमने कहा था उसको यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए या एज ए टेबल के तौर पे हम कोई इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक राम बेस्ड टेबल बना सकते हैं उसमें रैम जो है उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं या जो डाटा है वो हम स्टोर करते हैं और वो परमानेंट ऑफ कोर्स नहीं रहता हम रैम को प्रोग्राम कर सकते हैं कोई डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें डाल सकते हैं और उनको फिर आ, आ, फेच करके माइक्रोसोस्ट से फ़ैच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी है जैसे हमने बताया कि ये ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप की मदद से इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से इंप्लीमेंट हुई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी जो है बेसिकली एज ए बफर यूज़ होती है बफर बेसिकली क्या है बफर एक जो है इंफॉर्मेशन को टम्प्रेरी तौर पर स्टोर करता है और यूजली हम बफर उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ दो डिवाइस जो हैं डिफरेंट स्पीड पर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं सो लेट्स लेट सपोज यू हैव वे कंप्यूटर और एक कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज रही है कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक काफ़ी फास्ट डिवाइस है और जो एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन आ रही है जो डाटा आ रहा है जो भी डिवाइस डाटा भेज रही है वो काफ़ी स्लो है सो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर अगर उसका इंतजार करता रहे जो एक्सटर्नल डिवाइस है तो अपना कोई काम जो है या प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा सो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है एक बफर इम्प्लीमेंट करता है जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन बफर में डालेगी और माइक्रो प्रोसेसर जब भी पढ़ना चाहे अपना जब काम ख़त्म करके जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था तो उस बफर से इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है इसी तरह अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है एक फ़ास्ट डिवाइस है और वो कोई एक्सटर्नल डिवाइस को इंफॉमेसन भेज रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर तो क्योंकि फास्ट है तो वो बहुत कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल डिवाइस को भेज सकता है एक्सटर्नल डिवाइस क्योंकि स्लो है तो वो इस सारे डाटा को इतनी जो तेज़ी से डाटा आ रहा है उस सारे को यूज़ नहीं कर सकती सो so बेसिकली एक बफर चाहिए जिसमें जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर है वो इन्फॉर्मेशन उस बफर में डालेगा और जो एक्सटर्नल डिवाइस है जब भी वो रेडी होगी उस बफर से बारी बारी एक एक करके इन्फॉमेशन पढ़ती जाएगी और आगे उसको यूज़ करते जाएगी बफर में बेसिकली जिस ऑर्डर में आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसी ऑर्डर में आपने एक्सट्रैक्ट करनी है सो so लेट्स से एक डिवाइस है सेवन नाइन एट तीन नंबर हैं उसने डाटा जनरेट किया है बफर में डालना है तो जो नेक्स्ट डिवाइस जो पड़ेगी वो भी इसी ऑर्डर में पड़ेगी सेवन नाइन एट ही पड़ेगी एट नाइन सेवन नहीं पड़ेगी तो बफर में जो जो ऑर्डर है इंफॉर्मेशन का उसको वही रखना चाहिए उसमें चेंज नहीं होना चाहिए आइए एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली कंप्यूटर्स में यूज़ होती है बेसिकली आपका एक की बोर्ड है जो एक इनपुट डिवाइस है जो कि काफ़ी स्लो है एज कम्पेयर टू योर माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर में लगा हुआ है जो इन्फॉमेशन को प्रोसेस कर रहा है जब भी आप की बोर्ड पर कुछ कीज़ दबाते हैं उसमें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लोली माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँचे डिपेंड करता है आपके टाइपिंग रेट पर अगर स्लो टाइप कर रहे हैं तो जो भी आपने करेक्टर टाइप किया है वो इन्फॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँचेगी जितनी देर में आप इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर उतनी देर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है उसमें सो so, अगर माइक्रो प्रोसेसर की बोर्ड का इंतजार करे कि भाई जब आपने प्रेस किया तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे तो बेसिकली बहुत सारा टाइम वेस्ट जाएगा प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा सो so, की नॉर्मली कनेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ थ्रू ए की बफर ये कीबोर्ड बफर जो है अगेन वही वाला काम कर रहा है एक स्लो डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन जो है एक फ़ास्ट डिवाइस को कम्युनिकेट करना चाह रही है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे तो जो कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो हम बफर में डाल रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है जब भी अपने काम से फारो हो गया लग से कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिए अब उसने बफर में से पढ़नी इन्फॉमेसन तो इट वुड सिंपली गो टू द बफर उसमें जो बफर के आउटपुट में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई वो पढ़ लेगा पढ़ने के बाद उसके बाद जो बफर है उसके कॉन्टेंट्स अपडेट होंगे पहली बाइट लत से पढ़ ली जो सेकेंड बाइट है वो उसको मूव करके बफर के आउटपुट पे आ जाना चाहिए सो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट पढ़ेगा अगेन बफर के आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पढ़ेगा इसी तरह जो दो बाइट्स हमने पढ़ ली हैं लत से बफर का साइज़ टेन बाइट्स का है तो उसमें अब दो बाइट्स की जगह क्रिएट हो गई है सो so, कीबोर्ड जो है मज़ीद दो बाइट्स उसमें लिख सकता है सो so, बेसिकली बफर को यूज़ करने के लिए हमने बफर के इनपुट को हमने मॉनिटर करना है बफर के आउटपुट को मॉनिटर करना है कि कहाँ से हमने पढ़ना है और कहाँ इंफॉर्मेशन हमने इंटर करनी है इससे पहले कि बफ़र की जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स दो तरीके हैं बेसिकली हम शिफ्ट रजिस्टर्स के थ्रू भी बफर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मेमोरी के थ्रू भी कर सकते हैं कंप्यूटर में जो कीबोर्ड बफ़र है वो मेमोरी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ सो so बेसिकली हम दोनों इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे इससे पहले कि हम दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखें हम देखते हैं कि ये जो डिवाइस uh, हैं इन में अगर दोनों का जो एक्सचेंज ऑफ डाटा है वो एक सेम रेट पे हो तो बफर की ज़रूरत नहीं है तो वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगी बेसिकली डायरेक्ट कनेक्शन होगा बफर की ज़रूरत नहीं होगी एक डिवाइस जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी जो डिवाइस है वो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही है उनकी आपस में जो डाटा लाइन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगी जो प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रही है उसका राइट सिग्नल होगा बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन लिख रही है दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन डायरा बस पे फेंक रही है जो कंज्यूमर डिवाइस है वो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही है या रीड कर रही है सो so उसका जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो रीड पे होगा इन्फॉर्मेशन जो भी डायरा बस पे होगी वो रीड कर लेगा तो ये दोनों जो डिवाइस हैं दोनों सेम रेट uh, uh, के साथ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रही हैं कंज्यूम कर रही हैं इसमें बफर की जरूरत नहीं है आइए इन बफर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू डायग्राम्स पहले हम देखेंगे दो डिवाइसेस जो कि सेम डाटा रेट पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही हैं उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे दो डिवाइसेस जो डिफरेंट डाटा रेट्स पे कम्युनिकेट कर रही हैं जिसकी वजह से एक बफर की ज़रूरत पड़ रही है और तीसरे हम डायग्राम में देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है और कैसे रीड करनी है और जो बफर है उसमें क्या चेंजेस आएंगे सो आइए देखते हैं पहले डायग्राम में दो डिवाइसेज दिखाई गई डिवाइस ए एंड डिवाइस बी दो जो कि दोनों एक ही डाटा रेट पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिवाइस ए जो है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है और डिवाइस बी जो है वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही है दोनों डिवाइस एक डाटा बस कॉमन डाटा लाइन्स के साथ कनेक्टेड हैं डिवाइस ए जो है वो राइट सिग्नल उसका इनेबल है सो दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन डाटा बस पर लिख रही है डिवाइस बी का जो रीड सिग्नल इनेबल है सो so जो भी इंफॉर्मेशन डारा बस पे होगी वो पड़ रही है इसमें बफर की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि दोनों सेम डा रेट पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में दो डिवाइस दिखाई गई डिवाइस ए और दूसरी डिवाइस जो है डिवाइस बी इनके दरमियान एक बफर दिखाया गया है सो बेसिकली डिवाइस ए जो है डिवाइस बी के साथ जो कम्युनिकेशन कर रही है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही है वो सेम रेट पे नहीं है डिवाइस ए जो है हो सकता है स्लो हो और डिवाइस बी फास्ट हो या डिवाइस ए फास्ट हो सकती है डिवाइस बी स्लो हो सकती है सो डिवाइस ए जो है वो डाटा प्रोड्यूस कर रही है प्रोड्यूस करके वो बफर में इंफॉर्मेशन को लिख रही है इसी तरह डिवाइस बी जो है वो जब भी इंफॉर्मेशन उसने पढ़नी है तो वो डायरेक्टली डायरा बस से नहीं पढ़ेगी वो थ्रू दी बफर पढ़ेगी तीसरे डायग्राम में बफर दिखाया गया कि जिसकी आठ लोकेशन हैं दैट मीन्स एट डायरा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं सो लोकेशन ज़ीरो से लोकेशन सेवन लोकेशन जीरो जो है उसको बफर इनपुट हम कह रहे हैं और जो लोकेशन सेवन है उसको बफर आउटपुट कह रहे हैं शुरू में जो प्रोड्यूसर डिवाइस है वो इन्फॉर्मेशन सेवन नाइन वन जीरो थ्री पाँच डेरा वैल्यूज हैं जो कि जनरेट करती हैं ये इंफॉमेशन इसी सीक्वेंस में बफर में लिखी जाएगी और इसी सीक्वेंस में जो कंज्यूमर डिवाइस है वो उसको पढ़ेगी जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है बफर आउटपुट पे सेवन स्टोर हुआ है उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे नाइन उसके बाद वन उसके बाद जीरो और उसके बाद थ्री नेक्स्ट स्टेट पे कंज्यूमर डिवाइस जो है दो इन्फॉर्मेशन बाइट uh, जो है पढ़ लेती को पढ़ लिया और नाइन को पढ़ लिया बफर में वन जीरो और थ्री बच गया है अब वन और जीरो जो है उसको बफर के आउटपुट पे शिफ्ट uh, करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो कंज्यूमर डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन पढ़े तो बफर आउटपुट पे उसको वन मिले तीसरी डायग्राम में बफर में मज़ीद कॉन्टेंट्स ऐड किए गए हैं सो जो प्रोड्यूसर डिवाइस है वो मज़ीद डाटा प्रोड्यूस कर रही है फाइव सिक्स वन टू ये इसी सीक्वेंस में बफर में ऐड हो गए हैं सो बफर के पुराने जो कॉन्टेंट्स थे वो वन जीरो थ्री पड़े हुए थे उसके बाद चार न्यू कॉन्टेंट्स ऐड किए गए फाइव सिक्स वन टू जैसा कि दिखाया गया ये कॉन्टेंट्स जिस सीक्वेंस में प्रोड्यूस हुए उसी सीक्वेंस में बफर में ऐड हुए और ये ऐड जो है पुराने कॉन्टेंट्स के साथ हुए जो कंज्यूमर डिवाइस है वो पहले पुराने कंटेंट्स पढ़ेगी उसके बाद तीन जो पुराने कंटेंट्स पढ़ के उसके बाद नए चार कंटेंट्स पढ़ेगी अभी हमने कुछ डायग्राम्स देखे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको क्यों कहा जाता है डायग्राम्स से आपको अंदाजा हो गया होगा बेसिकली जिस सीक्वेंस में हम इंफॉर्मेशन बफर में डाल रहे हैं उसी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं सो दैट मीन्स फर्स्ट इन जो इंफॉर्मेशन होगी वही फर्स्ट आउट होगी सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके जिस सीक्वेंस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को राइट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं अब आइए बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की जैसे कि हमने बताया था कि ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी है ये स्पेशल टाइप की मेमोरी कहलाती है एक तो इसका रीज़न ये है कि ये ना तो कोई इंस्ट्रक्शनस उस सेंस में स्टोर कर रही जिस तरह रैम करती है या कुछ टेबल परमानेंटली स्टोर नहीं कर रही जिस तरह रोम करती है बेसिकली एक टेम्प्रेरी जगह है और जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ द टू डिवाइसिस ओके okay, एक जो तरीका है वो बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से हम बफर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास एक आप सिस्टम डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं किसी एप्लीकेशन के लिए तो उसमें यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लार्ज मेमोरी मेमोरी बेसिकली बहुत कम होती है उसमें क्योंकि बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं उधर अगर आपने बफर इंप्लीमेंट करना है तो वो आप बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से करेंगे बेसिकली इसको ज़रा समझ लेते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से कैसे करेंगे अस एज्यूम के एक डिवाइस जो है वो फोर बेट वैल्यू जनरेट कर रही है और दूसरी जो डिवाइस है जो कंज्यूमर डिवाइस है वो उन फोर बेट वैल्यूज़ को uh, कंज्यूम कर, कर रही है यूज़ कर रही है सो बेसिकली जो शिफ्ट जो बफर है वो फोर बेट वैल्यूज़ को स्टोर करे अस एज्यूम के जो प्रोड्यूसर डिवाइस है वो आठ वैल्यूज़ प्रोड्यूस करती है और जो कंज्यूमर डिवाइस है वो भी आठ वैल्यूज़ तकरीबन कंज्यूम कर रही है तो बफर का जो साइज़ है वो एट इंटू फोर होना चाहिए दैट मीन्स एट लोकेशन होनी चाहिए हर लोकेशन जो है फ़ोर बिट को स्टोर करें जैसे कि पिछले डायग्राम्स में हमने देखा जब भी आप इन्फॉमेसन बफर में लिखते हैं तो उसको आपने शिफ्ट करके बिल्कुल बफर के आउटपुट पे लिखना है जो पहली इन्फॉर्मेशन आपने लिखी वो बफर के आउटपुट पे होगी नेक्स्ट इन्फॉमेशन जो होगी नेक्स्ट लोकेशन पे होगी एंड सो ऑन जो ही आप बफर के आउटपुट से इफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं तो जो बाकी बीच में इंफॉमेशन बचती है उसको शिफ्ट करके अगेन बफर के आउटपुट पर लेके आना है ताकि पीछे स्पेस विकेट हो जाए उसमें मजीद इंफॉर्मेशन आप लिख सकें सो शिफ्ट रजिस्टर्स जब होंगे आपके पास चार शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे हर जो शिफ्ट रजिस्टर है वो एट बिट का शिफ्ट रजिस्टर है चार आपस में पैरल कनेक्टेड हैं सो दैट मीन्स फोर बिट्स एट ए टाइम शिफ्ट हो रही हैं सो so, शुरू में बेसिकली जब पहली वैल्यू लिखेंगे शिफ्ट एट बिट शिफ्ट करेगा ताकि इनपुट से लेफ्ट साइड से आप ऐड करते हैं तो वो वैल्यू कंप्लीटली शिफ्ट होके राइट right पे आ जाए इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आप लिखेंगे अगेन बफर इनपुट को आप एज्यूम करें लेफ्ट साइड पे है तो सेवन शिफ्ट करके उसको सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे इसी तरह तीसरी वैल्यू छः शिफ्ट के बाद तीसरी पोजीशन पे एंड ऑन so जब कंज्यूमर डिवाइस है वो पहली इंफॉर्मेशन पड़ेगी बफर आउटपुट से तो जो बाकी दो वैल्यूज हैं उनको एक बिट शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट सो बेसिकली आपके पास चार शिफ्ट रजिस्टर्स हैं और आपके पास एक शिफ्ट कंट्रोल सिक्योरिटी चाहिए जो इन्फॉमेशन को शिफ्ट राइट करेगी डिपेंड करता है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं इस शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पे एक एक लैच होनी चाहिए जहाँ इंफॉर्मेशन लैच होगी जब तक ये शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर नहीं हो जाती इसी तरह इन शिफ्ट रजिस्टर के आउटपुट पे एक लैच होगी जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी जो बफर से हम पढ़ रहे हैं जब तक जो कंज्यूमर डिवाइस है उसको पढ़ ना लें इस तरह मज़दीद आपको कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए जो कि ये बताएंगे कि अब इन्फॉर्मेशन जो है बफर के आउटपुट पे रेडी है कि नहीं है इसी तरह बफर के इनपुट में आप मजीद इंफॉमेसन लिख सकते हैं कि नहीं सो लेट अस हैव लुक एट है डायग्राम जो इस पूरे सर्किट uh, को डिस्क्राइब कर रहा है डायग्राम में एक फीफो मेमरी जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमरी दिखाई गई जो कि शिफ्ट रजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट हुई है चार एट बिट शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़ किए हैं बेसिकली ये चार बिट वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और आठ वैल्यू स्टोर हो सकती हैं इन शिफ्ट रजिस्टर्स के इन चारों शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पे एक इनपुट बफर दिखाया गया बेसिकली एक लैच है जहाँ जो इनकमिंग डाटा है वो टेम्परेली स्टोर होता है जब तक ये शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर ना हो जाए इसी तरह शिफ्ट रजिस्टर्स के आउटपुट पे एक आउटपुट लैच या बफर दिखाया गया जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी या लैच होगी जब तक कंज्यूमर डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को पड़ ना ले नीचे एक शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल सर्क्रेटरी दिखाई गई है जो कि इसमें एक काउंट रखेगी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी हुई है और कितने बिट से शिफ्ट राइट करनी है इसी तरह इनपुट कंट्रोल लॉजिक दिखाया गया है आउटपुट कंट्रोल लॉजिक दिखाया गया है आउटपुट कंट्रोल लॉजिक से आउटपुट रेडी का सिग्नल जनरेट हो रहा है और इनपुट कंट्रोल लॉजिक से इनपुट रेडी का सिग्नल जनरेट हो रहा है सो बेसिकली आउटपुट कंट्रोल लॉजिक जो है आउटपुट रेडी सिग्नल जनरेट करेगा इनफॉर्म द कंज्यूमर डिवाइस दैट ए बाइट या इंफॉमेशन जो है वो रेडी है अवेलेबल है फॉर रीडिंग इसी तरह जो इनपुट कंट्रोल लॉजिक का इनपुट रेडी सिग्नल जो है वो जो प्रोड्यूसर डिवाइस है उसको इन्फॉर्म करेगा कि इनपुट बफर अवेलेबल है सो अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है वो बफर में स्टोर की जा सकती है अभी हमने डायग्राम में शिफ्ट रजिस्टर के इम्प्लीमेंटेशन देखी जिसकी मदद मतलब से हम बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये हमने बताया अगर आपके पास एक आप डेडिकेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन किया जो कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जहाँ आपको लार्ज बफर नहीं चाहिए तो आप शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड बफर यूज़ करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में जैसे हमने बात की थी कीबोर्ड बफर है जिसमें जो कीज़ आप पंच करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही होती है वो बेसिकली इन शिफ्ट रजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट नहीं होती जो बफर है वो बेसिकली जो आपकी रैम है उसका एक पोर्शन हम रिज़र्व कर लेते हैं उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं एज ए कीबोर्ड बफर सो जो रैम है उसको हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उस एरिया को हम एक्सेस करने के लिए हमें दो रजिस्टर्स चाहिए एक रजिस्टर को कहेंगे बफर आउटपुट रजिस्टर और एक रजिस्टर को कहेंगे बफर इनपुट रजिस्टर सो बेसिकली so ये दो रजिस्टर्स हैं इनमें दो एड्रेसेस पड़े होंगे वो जो हमने जगह रिजर्व किए रैम में जिसको हम कीबोर्ड बफ़र कह रहे हैं उसके आउटपुट को पॉइंट कर रहे होंगे या उसके इनपुट को पॉइंट कर रहे होंगे सो so बफर के कॉन्टेंट्स वेरी करेंगे जो जो आप इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्टेंट्स चेंज हो रहे हैं उसकी लोकेशनस भी चेंज हो रही हैं सो so, ये जो दो रजिस्टर्स हैं उनके कॉन्टेंट्स जो हैं वो एड्रेस होंगे वो हमेशा दो लोकेशंस में पॉइंट कर रहे होंगे बफर की जहाँ से आप डाटा पढ़ेंगे और जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे सो so, बेसिकली दो किस्म की इम्प्लीमेंटेशन फीफो मेमोरी की एक यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स दूसरी जो कंप्यूटर्स में यूज होती है वो रैम को ही यूज़ किया जाता है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमोरी बेसिकली ये भी एक स्पेशल पर्पस मेमोरी है अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो शिफ्ट रजिस्टर्स यूज करेंगे कंप्यूटर में भी लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमोरी यूज़ होती है इन फॉर्म ऑफ ए स्टैक स्टैक बेसिकली क्या है वो आपने पढ़ा हुआ है स्टैक जो है अगेन एक जगह हमने मेमोरी में रिजर्व की हुई है जिसमें हम वेरिएबल स्टोर करते हैं आपका प्रोग्राम जब है किसी सब रूटीन को कॉल करता है तो वेरिएबल्स पास होते हैं पैरामीटर्स पास होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ स्टोर होती है स्टैक में स्टैक में जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं बेसिकली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गई होती है वो लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि स्टैक को आप समझेंगे जैसे प्लेट्स हैं काफ़ी सारी वो एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो अगर अपने प्लेट निकालनी तो सबसे बाद वाली प्लेट जो सबसे ऊपर पड़ेगी उसको सबसे पहले पढ़ेंगे सो लास्ट एंड फर्स्ट आउट लास्ट इन्फॉर्मेशन जो गई है वो पहले पढ़ेंगे लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमोरी हम दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये दोनों तरीक़े हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे खुदा हाफिज़ वा अस्सलाम वालेकुम